कैपेसिटेंस हम लोग स्टडी किए थे, और वो कैपेसिटेंस क्या था? तो कैपेसिटेंस था C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। सी हो गया कैपेसिटेंस, क्यू हो गया चार्ज, और वी हो गया वोल्टेज। और इस चीज़ को हम लोग डिस्कस किए थे कि ये एक्चुअल में बताना क्या चाह रहा है, तो ये था कि कोई अगर आप मटेरियल लेते हैं, कोई कंडक्टर लेते हैं, और इसका पोटेंशियल आपको कितना करना है, इसका वोल्टेज कितना करना है, 1 वोल्ट। अगर हम वी इज इक्वल टू कितना ले लें, 1 वोल्ट, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू। इसका मतलब ये था कि अगर किसी कंडक्टर का वोल्टेज आपको 1 वोल्ट करना है, तो उस 1 वोल्ट के लिए चार्ज आप कितना दीजिएगा। जैसे एग्जांपल था कि अगर ये एक कंडक्टर, इसके वोल्टेज को 1 वोल्ट करना है, इसका वोल्टेज कितना करना है, 1 वोल्ट, और चार्ज हम इसको सप्लाई करते हैं 50 माइक्रोकूलम, तो ये जो 50 माइक्रोकूलम 1 वोल्ट के लिए होगा, ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। मतलब फिर अगर आपको 1 वोल्ट और बढ़ाना है तो कितना कूलम देना पड़ेगा, 50 माइक्रोकूलम। ठीक है, कोई दूसरा कंडक्टर ले लेते हैं, और उसका अगर वोल्टेज बढ़ाने में 1 कूलम लग रहा है, 1 वोल्ट बढ़ाने में 1 कूलम, तो वो हर पर वोल्ट के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, है ना। मतलब कि अगर आपको 2 वोल्ट बढ़ाना है तो कितना कूलम चार्ज देना पड़ेगा, 2 कूलम। तो ये इस रेशियो का मीनिंग क्या है, ये चीज़ हम लोग समझ गए, ये फॉर्मूला कहना क्या चाह रहा है। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि इसका, इसके डायमेंशन को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो इसका SI यूनिट क्या होगा, तो देखिए चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और पोटेंशियल का क्या होता है, वोल्ट। तो कैपेसिटेंस का SI यूनिट हो जाएगा कूलम पर वोल्ट। ठीक है, अब कूलम पर वोल्ट जो है, ये जो C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस का SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम वोल्ट इनवर्स। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए कि अगर हम C इज इक्वल टू कूलम बाई वोल्ट लिखे, तो ये जो C है ना, इसको हम लोग एक और यूनिट से जानते हैं, और वो क्या है, तो फराड। वो क्या है, फराड। ये एक साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए है ना, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फराड। इसका सिंबल क्या होगा, तो कैपिटल F। तो 1F इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। अगर किसी कंडक्टर का वोल्टेज 1 है, यूनिट है, और आप उसमें चार्ज कितना दिए, 1 कूलम, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 1 फराड। बात समझ में आ गया, 1 फराड क्या है। ठीक है, अब देखिए कि 1 फराड जो है, ये यूनिट है, ठीक है, कैपेसिटेंस का। दूसरा यूनिट क्या है, कूलम वोल्ट इनवर्स। इसका डायमेंशन क्या होगा, इसके डायमेंशन को हम लोग निकालेंगे। तो देखिए डायमेंशन निकालने का तरीका क्या है, कि 1 फराड इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए 1 कूलम है, तो कूलम को हम लोग चेंज करें, क्योंकि डायमेंशन में कूलम तो आता नहीं है, लेकिन करंट आता है, तो एम्पियर आता है, इसलिए कूलम को हम चेंज करेंगे किस में, एम्पियर में। तो रिलेशन देखिए, करंट पर I इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, तो I हो गया करंट, एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 कूलम, 1 सेकेंड, तो कूलम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड। तो कूलम की जगह हम डाल देंगे एम्पियर सेकेंड, डिवाइड का साइन। अब देखिए वोल्ट, तो वोल्ट कहाँ से मिला हम लोगों को, V इज इक्वल टू क्या था, W बाई क्यू, वर्क डन बाई चार्ज। तो V का निकालते हैं, तो V के लिए देखिए W का होता है kg मीटर, मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, वर्क का भी अगर आपको याद नहीं है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का होता है kg मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो पूरा हो जाएगा kg मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। इसलिए वर्क के जगह में इतना डाल दिए। फिर से कूलम आ गया, तो फिर से कूलम के जगह हम कितना डाल देंगे, एम्पियर सेकेंड।
तो अब देखिए कि वोल्ट का फाइनली कितना मिला आपको, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड भी ऊपर चला जाएगा तो एस का पावर माइनस थ्री, और एम्पियर ऊपर चला जाएगा तो ए माइनस वन, तो वोल्ट आ गया। अब वोल्ट के जगह हम इतना डाल देंगे, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर माइनस थ्री और ए एम्पियर इनवर्स। अब ए एम्पियर सेकंड और डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसका रेसिप्रोकल होकर आएगा वन बाई के जी मीटर स्क्वायर एस माइनस थ्री ए इनवर्स। तो इसको इनवर्स है तो हम इसको कहाँ लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, ये भी इनवर्स है तो इसको कहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना आ गया, ये आ गया आपका एम्पियर स्क्वायर सेकेंड का पावर फोर के जी इनवर्स मीटर, मीटर का पावर माइनस टू। अब आ गया है, अब हम क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट देंगे और एम एल टी और एम्पियर के जी, मास एम है मास के लिए, तो मास का देखिए कितना है पावर माइनस वन, तो यहाँ माइनस वन डाल दीजिए। एल है मीटर लेंथ के लिए माइनस टू, तो यहाँ माइनस टू डाल देंगे। टाइम कितना है सेकेंड फोर है तो फोर डाल देंगे। एम्पियर, तो ये इसका डायमेंशन निकल कर आ गया। तो डायमेंशन कैसे निकलेगा समझ में आया, फॉर्मूला और फॉर्मूला से एसआई यूनिट और एसआई यूनिट से क्या निकलेगा डायमेंशन, तो इस तरीके से डायमेंशन निकल। हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं और इस कंडक्टर को चार्ज दे देते हैं। तो जब हम इस कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करेंगे तो ये कंडक्टर अपने ऊपर चार्ज रखता चला जाएगा, ठीक है। ये कंडक्टर क्या किया कि अपने ऊपर, ठीक है, तो चार्ज थोड़ा कम है अभी, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए क्या किए, हम एक कंडक्टर लेते हैं और इस कंडक्टर को चार्ज कर देते हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि चार्ज देने का एक लिमिट होगा, और चार्ज जब बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल के बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स के बढ़ने से ब्रेकडाउन बढ़ेगा, और जो भी चार्ज आप दीजिएगा वो एक लिमिट के बाद कंडक्टर क्या करेगा, उसको लीक आउट कर देगा, ठीक है। इतना बात हम लोग कल डिस्कस किए थे। उसी में से देखिए कि अब फिर से हम एक कंडक्टर लेते हैं और उस कंडक्टर को चार्ज कर देते हैं, ठीक है। इस कंडक्टर को जब हम चार्ज करेंगे तो मान लेते हैं कि इस कंडक्टर को जब हम लोग चार्ज दिए तो ये चार्ज कितना है, 1000 कूलम, चार्ज कितना है 1000 कूलम। वोल्टेज इसका कितना हो गया, मान लेते हैं इसका वोल्टेज कितना हो गया 100 वोल्ट। कैपेसिटेंस इसका कितना होगा, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या निकल कर आया है, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा 10 फराड, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए कि 100 वोल्ट जो है वो मैक्सिमम, अब अगर हम ज़्यादा देंगे, ठीक है, अब अगर हम ज़्यादा देते हैं तो ये लीक आउट कर देगा, ठीक है, तो लीक आउट कर देगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक स्टेप देखिए कि ये कंडक्टर ए है, इसका नाम हम दे देते हैं ए, और इसके बगल में कोई कहीं से भी हम कोई दूसरा कंडक्टर उठाते हैं और लाकर इसके सामने रख देते हैं, कोई भी कंडक्टर जहां से मिले जैसा मिले, ठीक है, गिरा हुआ मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा है, आप उसको उठाइए लाइए और ठीक इसके बगल में यहां पर रख दीजिए। तो ये कंडक्टर दूसरा कंडक्टर है जो हम इसके बगल में लाकर क्या किए, रख दिए। ये कंडक्टर बी है, ये चार्ज नहीं है, चार्ज आप सिर्फ किस पर दिए, ए पर दिए। बी कंडक्टर हम कहीं से भी उठाए, गिरा हुआ मिला रास्ते में, उठाकर लाकर यहाँ पर रख देते हैं, बस इतना काम किया। बी कंडक्टर के पास कोई चार्ज नहीं। अब देखिए कि सिर्फ हम क्या काम किए कि एक कंडक्टर कहीं से उठाकर लाकर यहाँ पर रखें। अब देखिए कि जैसे ही हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। पहले यह अकेला था, इस पर चार्ज इतना, वोल्टेज इतना, 10 फराड इसका कैपेसिटेंस हो गया। अब हम जब ये चार्ज लाकर रखे तो ये क्या करेगा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है,
इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज फील्ड क्रिएट करेगा, जैसा कि हम पीछे पढ़े हैं कि चार्ज कहीं भी होगा तो फील्ड क्रिएट करेगा, तो ये भी फील्ड क्रिएट करेगा। फील्ड के इस फील्ड के रेंज में ये बी वाला कंडक्टर जैसे ही आएगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन ये काम करेगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या काम करेगा, पॉजिटिव चार्ज किसको पसंद करता है, नेगेटिव चार्ज को। और जो दुनिया का कोई भी चीज़ बना है एटम से, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस कंडक्टर का जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब इस साइड, और जितना भी प्रोटॉन है सब क्या हो गया इस साइड, ठीक है। अभी क्या बताएं कि कोई भी चीज़ किससे बना है, एटम से बना है, और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 3, 3, 6, प्रोटॉन भी कितना है, 6, सेपरेट कर दिया। अब जब ये सेपरेट किया तो इससे हुआ क्या, देखिए कि इसका कैपेसिटेंस कितना था, 10। अब जैसे ही आप इसका कैपेसिटेंस 10 था, तो अब ये क्या करेगा कि इसका कैपेसिटेंस 10 था तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, और इधर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जब चार्ज पोलराइज हो गया, मतलब कि दोनों अब अलग अलग जगह है, तो दोनों अब अपना अपना क्या करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा और अपना अपना पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी अपना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल कितना क्रिएट करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो है, ठीक है, इस वाला, ये वाला हिस्सा हो गया सरफेस 1 और ये वाला हिस्सा हो गया सरफेस 2। तो जो सरफेस 1 जो क्रिएट करेगा वो हो गया V1, ठीक है, कितना हो गया V1। अब V1 कुछ ना कुछ होगा, तो V1 मान लेते हैं कितना हुआ, ठीक है, V यहाँ 100 है, और ये जो क्रिएट किया V1, ये V1 मान लेते हैं कितना, ठीक है, ये मान लेते हैं 30, ठीक है। V1 कितना क्रिएट किया, 30। अब जब V1 क्रिएट करता है 30, तो अब नेट पोटेंशियल यहाँ पर कितना होगा, तो इस पॉइंट पर जब हम लोग नेट पोटेंशियल निकालेंगे, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद कीजिए, क्या तरीका है, से एक की वजह से निकालिए, फिर दूसरे की वजह से, और दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल स्टार्टिंग में कितना, 100 वोल्ट। जैसे ही हम एक चार्ज लाते हैं, इसके इफेक्ट से इस पर जो चार्ज रहता है वो पोलराइज हो जाता है, मतलब नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव एक साइड। अब जैसे ही दोनों अलग हो जाता है, दोनों क्या करता है कि दोनों अपना अपना फील्ड बनाएगा, अपना अपना पोटेंशियल। तो ये सरफेस 1 पोटेंशियल बनाया V1 कितना, 30। तो जब ये 30 बनाया, तो देखिए अब ये -30 बनाएगा, तो 100 वोल्ट -30 कितना हो गया, 70। कितना हो गया, 70 वोल्ट। तो अब देखिए कि 100 वोल्ट से 100 वोल्ट हो गया था, है ना। फिर से पहले आते हैं, पहले कहने का मतलब स्टेप फर्स्ट, हम इसको चार्ज दिए और चार्ज देते देते ये कितना हो गया, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट के बाद ये क्या होने लगेगा, लीक होने लगेगा, तो हम डरने लगे कि चार्ज हम नहीं दे सकते। लेकिन बस हम, मेरा एक स्टेप क्या था कि एक कहीं से भी कंडक्टर लाए, और लाने के बाद इसके सामने रखे, रखने के बाद देखिए अब इसका वोल्टेज कितना डाउन हो गया, 100 से 130 हो गया। अब मतलब कि 30 वोल्ट लाइक हम चार्ज इस पर और डाल सकते हैं। लेकिन अभी एक चीज़ और हम लोग मिस कर रहे हैं, वो क्या है, देखिए कि अभी तो सरफेस 1 ही निकाले, सरफेस 2 भी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी तो अपना यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनाएगा। ये पोटेंशियल मान लेते हैं बनाता है कितना, 20। ये पोटेंशियल कितना बनाया, 20। अब जब ये पोटेंशियल बनाएगा 20, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो अब ये कम है ये ज़्यादा है, ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों का R जो है वो चेंज है। V का फॉर्मूला याद कीजिए तो K³/V इन्वर्सली होता है किसके, R के। तो सरफेस 1 ज़्यादा नज़दीक है, सरफेस 2 दूर है, तो दोनों में थोड़ा बहुत R का डिफरेंस है, इसलिए दोनों का वोल्टेज भी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। अब फिर से हम 70 में जोड़ते हैं इसको, तो कितना आ गया, तो पहले कितना था अब कितना हो गया, मतलब कि फाइनली 90 वोल्ट जब आया है
तो ये 90 वोल्ट क्या करेगा, मतलब कि 100 था इनिशियली, आप डर रहे थे कि अब नहीं भर सकते हैं, लेकिन एक कंडक्टर को लाने से अब आपका क्षमता बढ़ गया, अब आप कितना दे सकते हैं, फिर से 10 लाख और दे सकते हैं, बात समझ में आए। तो सिर्फ हम क्या किए, एक चार्ज कंडक्टर के नज़दीक एक है ना न्यूट्रल कंडक्टर ले आते हैं, बस उसको रख देते हैं और इतना एक्शन हो गया। क्या एक्शन हुआ, जिसको आप चार्ज कर रहे थे उसका पोटेंशियल अब डाउन हो गया कि आप उसमें और चार्ज अब डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर अब एक काम और करेंगे, ठीक है, एक काम और क्या करेंगे कि हम देखें कि ये इतना काम करने पर 90 ही कितना का डिफरेंस आया, 10। हम चाह रहे नहीं, थोड़ा और डिफरेंस चाहिए, 10 से काम नहीं चलेगा, तो हम एक स्टेप और इसमें इंक्लूड कर देते हैं। वो स्टेप क्या है देखिए, हम ये काम करते हैं कि इस वाले सरफेस को क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। जैसे ही हम इस वाले सरफेस को अर्थिंग करेंगे, सारा इलेक्ट्रॉन सरफेस के पर आएगा, पॉजिटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, या ये कहिए कि सारा पॉजिटिव किधर आ जाएगा, है ना, क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, ठीक है, अर्थ बहुत बड़ा कंडक्टर है, इसमें जितना चार्ज देते जाइएगा है ना बढ़ेगा नहीं, और अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, ज़ीरो। अर्थ का पोटेंशियल ज़ीरो इसलिए क्योंकि जो भी आप चार्ज दीजिएगा वो कहीं दूर चला जाएगा, तो जब इनफाइनाइट रेंज हो जाता है दो चार्ज के बीच में तो उसमें पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो अर्थ के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज अवेलेबल है, तो क्या करेगा, सारा पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएगा, धरती में। अब जब सारा पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव क्या हो गया, ख़त्म, तो जो V2 बन रहा था वो V2 क्या हो गया, अब गायब हो गया। अब V2 गायब हो गया तो इसको भी गायब कर दीजिए, इसको भी आप गायब कर दीजिए, तो अब जो फाइनल रिजल्ट है वो कितना है, 70 वोल्ट। तो अब आप 30 वोल्ट लायक चार्ज इसको सप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिससे हम क्या कर रहे हैं, चार्ज स्टोर कर रहे हैं, और चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी, बात समझ में आया। और अब इसमें देखिए कि ये जो सिस्टम तैयार हुआ दो प्लेट का, जिसमें एक चार्ज है और दूसरा डिस्चार्ज है ना, एक चार्ज है दूसरा डिस्चार्ज है, ये जो सिस्टम आया, इस सिस्टम का एक हम लोग प्रॉपर नेम दे देते हैं, और वो नेम है कैपेसिटर। वो प्रॉपर नेम क्या है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक्चुअली में क्या है, बात समझ में आ गया, डिफिनेशन क्या है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ कंडक्टर है ना, सेपरेटेड बाय ए इंसुलेटर एट सम डिस्टेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कीजिएगा तो क्या स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, बात समझ में आ गया, यही है आपका कैपेसिटर।